भगवान बिरसा की प्रतिमा हटाने को लेकर उभरा विवाद। चांडिल अनुमंडल के डोबो पुल के नामकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद। शहीद रघुनाथ महतो एवं भगवान बिरसा मुंडा के समर्थक आमने सामने, देर रात तक जारी रहा गतिरोध। मूर्ति क्षतिग्रस्त कर बोर्ड पर कालिख पोतने से आक्रोशित हुए लोग। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली के डोबो पुल नामकरण को लेकर बीती रात शहीद रघुनाथ महतो समर्थक और भगवान बिरसा मुंडा के समर्थक आमने सामने आ गए। मामले को लेकर दोनों गुटों के लोग आपस में उलझ पड़े। माहौल बिगड़ता देख कपाली पुलिस द्वारा फौरन मोर्चा संभाला गया, जिससे वहां हिंसक झड़प होने से रोका जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम से ही पुल नामकरण को लेकर रघुनाथ महतो समर्थक और भगवान बिरसा मुंडा समर्थकों के बीच तनातानी का माहौल था। इस बीच देर रात दोनों गुट के लोग तीर धनुष, तलवार, लाठी डंडा समेत पारंपरिक हथियार से लैस होकर डटे रहे। इधर कपाली पुलिस को सूचना मिलने पर पर्याप्त संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती की गई और दोनों गुटों के लोगों को जबरन हटाया गया। बता दें कि बुधवार को डोबो पुल पर स्वर्गीय रघुनाथ महतो स्मारक समिति द्वारा पुण्यतिथि के मौके पर प्रतिमा और नया बोर्ड लगाया गया था, जिस पर कालिख पोत मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे आक्रोशित लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। स्मारक समिति के नारायण महतो ने बताया कि बिरसा मुंडा समिति के लोगों द्वारा साजिश के तहत शहीद के नाम के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर भगवान बिरसा मुंडा समिति के लोगों ने बताया कि 3 साल पहले आयोजित ग्राम सभा में पुल का नाम भगवान बिरसा मुंडा सेतु रखे जाने पर आम सहमति बनी थी, लेकिन रघुनाथ महतो स्मारक समिति के लोगों द्वारा जबरन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से पहले लगाए गए बिरसा मुंडा नाम के बोर्ड को हटाया गया और एक दिन पूर्व रात में चोरी छिपे मूर्ति की स्थापना कर दी गई। इधर मामले को लेकर अब प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद अंतिम निर्णय होगा। वहीं दोनों संगठनों द्वारा बैठक कर अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए चांडिल से सुमंगल कुंडू की रिपोर्ट। जो डोबो पुल है दो मुहानी, इसका 5 साल पहले यहाँ के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में और तमाम साथियों, आंदोलनकारी साथियों के द्वारा इस पुल का नाम बिरसा मुंडा सेतु दुमुहानी के नाम से नामकरण किया गया था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और यहाँ के कुछ साथियों, हमारे साथियों, कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर आके उस बिरसा मुंडा जी के जो बोर्ड लगे हुए थे उसको हटा दिया गया और फिर बोलोंग रघुनाथ महतो जी का यहाँ पर मूर्ति लगाया। और यहाँ पर जितने भी दुकान या फिर कंपनी अगल बगल हो, यहाँ के अड़ोस पड़ोस आदमी से आप लोग पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर किस नाम से पहले बोर्ड यहाँ पर लगाया गया था, तो वो लोग बोलेगा कि वीर शहीद बाबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर बोर्ड लगाया गया था, जो इन लोगों ने तोड़ के वहाँ पर फिर रघुनाथ महतो जी का भी मूर्ति लगाया और बोर्ड लगाया हुआ है। घटना है कल रात की घटना, और ये हम लोगों ने 5 साल पहले इस पुल का नामकरण बाबा बिरसा मुंडा जी के नाम। हमारा मांग यही है कि जो पहले बाबा बिरसा मुंडा जी के नाम से इस पुल का नामकरण किया गया था वही रहे, और अविलंब यहाँ जो रघुनाथ महतो जी का स्टैचू लगाया गया है उसको हटाया जाए, उस नामकरण को भी हटाया जाए, और जो इस तरह के काम किए, जो बोर्ड यहाँ के हटाने का काम किए, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए प्रशासन के द्वारा। मेरा नाम छोटू सोरेन है, बिरसा सेना का सदस्य। रगड़ा करिएगा तो ये सीनी प्रकरण आप लोगों को याद होगा, सीनी में भी शहीद निर्मल महतो का ये लोग विरोध किया। रात 2 बजे यहीं का भूमि समाज ने पूरा मूर्ति लेके वहाँ पे रात 2 बजे मूर्ति लगवाया, वहाँ भी शहीद निर्मल महतो का अपमान किया गया। आज यहाँ शहीद रघुनाथ महतो का अपमान किया जा रहा है। क्या महतो लोग हम लोग क्या बाहरी है? हम लोग भी तो ये राज्य के लिए उतना लड़े जितना राज्य के लिए आप लड़े, और आज हमारे साथ इस बस उल्टी किया जा रहा है। बताइए आप क्या मैसेज देंगे? ये जो द्वेष फैलाया जा रहा है ये क्या किसके लोग है? ये झारखंडी तो हमको नहीं लगता ये झारखंडी लोग है। झारखंडी लोग होते तो वहाँ काली नहीं पोतते। हम लोगों ने तो काली नहीं पोता आज तक बिरसा मुंडा के चेहरे पे या किसी के ऊपर। बिरसा मुंडा को हम लोग भी मानते हैं या सबको मानते हैं। कुर्मी समाज सबको रिस्पेक्ट करता है, सबको आदर सम्मान करता है। आज तक एक तो भी आप बताइए कि कुर्मी समाज किसी को सम्मान असम्मानित नहीं किया है। आज सबको हम सम्मान किए हैं, हम लोग हमेशा करते आए हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? भूमि समाज पूरा उतर के रोड में सड़क पर उतर के जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाता है, हमारा शहीद को काल्पनिक बोलता है, तो कितना दिन बर्दाश्त करेगा हम लोग का समाज? बताइए आप, आज रघुनाथ महतो को कौन नहीं मान रहा है जी? रेलवे स्टेशन बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, सब चीज बन रहा है, और ये लोग बोलता है काल्पनिक है, फर्जी है। तो ये सब दुख नहीं लगेगा हम लोगों को? हमारे समाज हम लोग बर्दाश्त नहीं करें, क्या करें हम लोग बताइए? तो अभी आप मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से इन लोगों को माफी मांगना है।
नहीं तो इन लोग यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे और ये पूरा झारखंड फिर लगेगा, आग लगेगा इस तरह का अगर नौटंकी होगा होगा तो क्या परिचय क्या? हमारा नाम अंकित मातो है, चुवाड़ सेना के सदस्य हूँ।